बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हूँ और मेरे साथ भी आज फिर बिलाल साहब है। तो आज जो है वो बिलाल के घर का हमने मुकम्मल टूर करना है, क्योंकि ज़हेब भाई ने कहा था, कमेंट भी किया था, मैसेजेस भी किया था। अभी जो है वो हम घर के छत पे खड़े हैं और पीछे आप जो देख रहे हैं, पीछे खेत हैं और माशाल्लाह बहुत ही कमाल का व्यू है। और आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, वीडियो को लाइक मेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग नए हैं वो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कर लें। और उसके बाद जो है वो अभी हमें आले दुआले वाम ऐसे देखे हैं कि जैसे हम पागल हैं, लेकिन इसमें शक भी कोई नहीं है बिलाल साहब, हम जी वैसे भी पागल ही हैं। वही है, भी पागल ही हैं। ये मजाक कर रहा था। और चलिए जी, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज हाँ, किधर जा रहे हैं? घर पानी ले जाऊं यार। ये किधर लेके आए हुए थे बर्तन? खाना खाया अभी लाल साहब ने, राज मार के खाना खा रही है और सारा काम जो है वो हाफ हाफ कर रहे हैं। खाना आप लेके आए थे घर से? यो वो देखे बच्चों के काम। तो टोटली बाहर का व्यू है वो कुछ यूं है। अब आपको अंदर से विजिट करवाते हैं। गेट अभी पुराना ही है, नया नहीं लगाया। नया जब घर आएंगे तब लगवाएंगे। अभी घर नहीं आए? नहीं नहीं, अभी शिफ्ट नहीं हुए। अभी शिफ्ट नहीं हुए, अभी घर की मुकम्मल तैयारी नहीं हुई। वाओ माशाल्लाह, ये गराज है गाड़ी बूढ़ी खिलाने के लिए। माशाल्लाह फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां खिलाएंगे हम। यहाँ पर स्विफ्ट खड़ी होगी, यहाँ पर रेंज रोवर या फॉर्च्यूनर का शायद अभी उतारा हुआ है, पर वो बाद में लगाएंगे जब फॉर्च्यूनर लेंगे ना। तो हमारी फॉर्च्यूनर बाहर गई हुई है, बाहर गई हुई है। ग्रिल के पास ही यहाँ पर सीढ़ी है, नीचे एक वॉशरूम है। यहाँ पे वॉशरूम होगा जी, यहाँ पे वॉशरूम है। और ये हॉल हो गया जी, तो फिर यहाँ पर होगा बेड, यहाँ पे बेड नहीं, यहाँ पर सोफे वगैरह लगाने हैं, बड़ी सी एलटी लगानी है। माशाल्लाह जी, 6 कमरे हैं, 4 वॉशरूम ने, 4 ग्रिल ने। और ये कमरा जी, एक ये कमरा जी, उसके साथ ये अटैच वॉशरूम है, इसके साथ नहीं है। और वो बैठी का, बैठी के साथ भी अटैच वॉशरूम है। ये किचन है और ये भी एक कमरा है, और ये भी दोनों कमरे हैं। और यहाँ पे भी वॉशरूम है, इसके साथ अटैच भी, और दूसरे जो कमरे हैं उसके साथ भी अटैच वॉशरूम है। इसके साथ नहीं है? नो। और अंदर से इस कमरे में अंधेरा है ज़्यादा। और ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? इसे ओपन, ओपन जगह छोड़ी हुई है जी जी। अभी जो है वो घर की तैयारी मुकम्मल नहीं हुई, क्यों बिलाल साहब जी? और कब तक हो जाएगी? तकरीबन 3 माह लग जाएंगे। नहीं, 2-3 माह लग जाएंगे, 3 कमरे प्लस्तर भी करना है। और अभी जो है ना वो आपको सीटिंग ऊपर चढ़ के बताते हैं, पहले भी हम छत पे गए हुए थे। ये लें जी, ये आ गए हम छत पे। चलो बिलाल साहब आके आगे हो जाओ, देगी ना जाए पीछे। तो ये जी छत पे आने के बाद पूरा जो है वो गांव दिखाई देता है। ये पीछे खेत है और यहाँ पे ये घर है, और वो जो सामने नज़र आ रहा है ना वो वाला, वो हमारा घर है। वो जो आप देख रहे हैं ये डाली हमारे घर में, ये दरख्त जो है वो दो घर हमारे घर में। अब एक बात बताओ, ये क्या? ये बाजरा। बाजरा ये क्यों यहाँ पे लगाया हुआ है? असली है कि जरा ने थले हुआ है, नहीं जगह नहीं, जरा ने बाजरा रखने ली जरी है जगह नहीं, असली ने उत्ते रखे रहा ताकि थलू काम फिनिश होइए, उस बाद जरा ने नीचे बल्कि थले क्यों रखना है, इनू फिर घर ले आएंगे, दूसरे पुराने घर ले आएंगे, उत्थे जाके बालन गए, और की करना है। गुड। तो अभी जो है वो छत पे चार दीवारी जो पर्दे जैसे हम बोलते हैं वो नहीं किए हुए, तो सर्दियों का मौसम है, छत पे धूप में बैठने का बहुत ही मज़ा था। तो अभी बिलाल साहब जो है वो जा रहे हैं दरमान, इसे कोई ज़रूरी काम था। बिलाल साहब किधर जा रहे हैं? दरमान। वो किधर है? तो अभी जो है वो बहुत ही ख़ास भाईजान से आपको मिलाने वाला हूँ। लास्ट टाइम जब हमने मोटरसाइकिल ऊपर टांगी थी तो उस वीडियो में भाईजान का रोल है, और ये बाहर गए हुए थे मकसद। कौन से मुल्क होते हैं भाईजान? मस्कुलमान में। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाई आल फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये हसन भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। तो ये भाईजान चले गए हुए थे मकसद जी। और कितने दिन हो गए आप, कितने दिन पहले आए हैं? तकरीबन हम 11वां महीना
24 तारीख को आए हुए थे, करीबन एक महीना दो तीन दिन होगा। एक महीना दो तीन, क्योंकि मुझे जो है ना वो सट लग गई हुई थी जी, इसको चोट लगी हुई थी, चोट लगी हुई थी। बहुत दफा बोला है बाइक आस्ता चलाओ, लेकिन बहुत स्पीड से चलाते हैं ये। और लास्ट टाइम जो जब लास्ट वीडियो बनाई थी भाईजान ने, तो तब हमने मोटरसाइकिल ही टांगी थी, मोटरसाइकिल की रिलेटेड वीडियो थी वो। मैं इसको कह रहा था आस्ता मोटरसाइकिल चलाया था, तो ये मेरे साथ था। ये बच गया था, ये जब मैं गिर गया था ना तो मुझे ये उठा रहा था, कह रहा था कि भाईजान आपको तो नहीं लगी, मैं मुझसे उठा नहीं था जा रहा, ये बार बार मुझसे पूछ रहा था। और लेकिन हॉस्पिटल मेरे साथ रहा है। अभी ये खुश पता नहीं इतना क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या चीज उसने देख रही है। आप कौन से में कहां पे चोट लगी थी? मेरी पसली की हड्डियां टूटी हुई थी, जैसे मैंने व्यूअर्स को पहले भी कितना दफा बताता हूं आपको, मोटरसाइकिल बाइक आस्ता चलाएं, आस्ता चला ही रहे, ये था ये चला रहा था, इसे मारे बहुत ज्यादा मारे, आस्ता चलाएगा, सही सही पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये भाईजान बहुत फनी है, और आप तो बहुत दफा समझाते हूं बच्चों को मोटरसाइकिल बाइक आस्ता चलाएं, आस्ता चलाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो मुझे लगता है कि हमारी जो वीडियो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग जो है ना वो तकरीबन हर व्लॉग में भाईजान मेरे साथ ही हुआ करेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, वीडियोस इतनी लंबी चौड़ी नहीं होती मेरी, क्योंकि अभी जो है वो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हुई, ज़्यादा जो है वो चलने फिरने से मैं गुरेज ही करता हूँ, क्योंकि थक भी जाता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।